छत्तीसगढ़ के कांकेर में सीएएफ के जवान ने रविवार सुबह पीजी कॉलेज में अपनी राइफल से गोली मारकर हेड कांस्टेबल सुरेंद्र अभगत की हत्या कर दी। इसके बाद एक अन्य जवान ब्रजेश भारद्वाज ने जो है उन्होंने ब्रजेश भारद्वाज पर गोलियां चला दी, लेकिन किसी तरह उसने भागकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि आरोपी जवान ने 20 राउंड फायर किए हैं। सूचना पर पहुंची फोर्स ने जवान को गिरफ्तार कर लिया। अफसर सहित अन्य जवान मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक आरोपी जवान पुरुषोत्तम कुमार मध्य प्रदेश के भिंड का रहने वाला है और सीएएफ की 11वीं बटालियन सी कंपनी में जो है जिला जेल में पदस्थ है और इन दिनों भानुप्रतापपुर उपचुनाव के चलते उसकी ड्यूटी पीजी कॉलेज में लगाई गई थी। उस दौरान सुबह पुरुषोत्तम ने अपनी सर्विस रिसांस राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। में जो सीएफ का गार्ड तैनात है उसमें सुबह सुबह सूचना मिली कि एक आरक्षक ने आपसी विवाद के कारण प्रधान आरक्षक के ऊपर गोली चलाई है। मौके पर पुलिस की टीम और बीएसएफ की टीम पहुंची थी। आरक्षक को बातचीत करके काउंसलिंग करके उसको अपनी कस्टडी में लिया गया है और आगे की जो कार्रवाई